नहीं जा सकता है। जीव, शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपके मुख में जीव है। तब संत ने कहा जैसे दांत पीछे आया, दांत जन्म के साथ नहीं आता है, दांत पीछे आता है और जीव साथ में आती है, और दांत पहले चला जाता है और जीव साथ तक जाती है। इसी प्रकार जीव विनम्रता का एक सूचक है और दांत कठोरता का। तुम लोगों में, संत कहते हैं, तुम लोगों में विनम्रता है, तुम लोगों में यदि कोमलता है, सद्गुण है, सदाचार है, तो तुम्हारा उत्तरोत्तर विकास होगा। संगठित रहो और विकास करो, दांत के समान कड़ा मत रहो। इस प्रकार सब जो है एक उपदेश करते हैं विनम्रता का। और यदि इस प्रकार अभी जैसा कुछ हम देख रहे हैं, यहाँ पर साध्वी बहने रहती है लेकिन चार संत भी रहते हैं। संत श्री तत्पर शायद जी जो यहाँ के मठ के अग्रेसर हैं, मठाधीश कहें, मंडलेश्वर कहें, तो आप उस पद पर विराजमान हैं। साथ में संत श्री शुभ साहेब एक विद्वान संत है। अभी आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, उसके साथ सहयोग, सोने में सुगंध कहते हैं ना, तो सुगंधी के रूप में सात्विक साहेब जी विराजमान हैं। देख रहे हैं आप लोग इसी सभा में से कितने बार उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, कौन आ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और इतने लोगों का एकत्र करने का जो श्रेय है इन दोनों संतों को है। लेकिन इतने मात्र से तो चलेगा नहीं, हम आपको बुलाएं और बुलाने के साथ साथ ना आपको भोजन दें, ना पानी दें, ना कुछ और व्यवस्था करें, तो उसके लिए तो और कुछ चाहिए, केवल सत्संग से तो काम चलेगा नहीं। देखेंगे भंडार में सुबह से लेकर शाम तक सत्यम साहब जी वहां पर एकदम अडिग रहते हैं। तो इस प्रकार मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है, इस प्रकार जैसा अभी संगठित रूप से चल रहा है और सदगुरु श्री संत शरण साहब जी के बोए वृक्ष को जैसा अभी सींच रहे हैं और निरंतर वो विकसित हो रहा है, फल और फूल रहा है, आप लोगों का भी यदि सहयोग मिलता रहेगा उन संतों को, तो वे लोग भी और उत्साह होकर के इस प्रकार आपको संतों के सानिध्य का लाभ उठाने का समय देंगे, अवसर, और हम सब लोग भी उस अवसर का लाभ लेकर के लाभ उठाएंगे। तो मेरा खास रूप से निवेदन यह है कि संत गुरुजन जो हमें बताते हैं, चाहे वो आगे के हो या पीछे के हो या वर्तमान के हो, जो बताते हैं उन्हें अपने जीवन में आचरित करें, अपने जीवन में उतारें। हमारे ऋषि कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधक, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के संग लगो और अपना आत्म कल्याण करो, आत्मा अपना बोध प्राप्त करो और मनुष्य जीवन पाने के सार्थकता है उसे समझे और लाभ लें। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय। सतगुरु देव को जय, संत समाज को जय। अब हम लोग इसमें इसे आश्रम का पूर्व व्यवस्थापक पूज्य संत श्री बुद्ध साहेब जी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म संक्षिप्तमा आफ्नो भाव प्रकट गर्नको लागि हार्दिक निवेदन गर्छु। सद्गुरुदेवको जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव।
सतगुरु श्री संत शरण।